ओम नमो नारायणाय। गीता माता की जय। श्रीमद् भगवद गीता हिंदुस्यत पांचवें अध्याय हिंद किस प्रसंग स्मृत आज सदैव श्लोक पर शुरहम स्मृत पर श्राथ कि युहुंद ज्ञान अज्ञान युहुंद परमात्मा के तत्व ज्ञान से नष्ट आश गुमुत सह हा तम सूर्य भगवान सिंह पठ प्रकाश मान प्रत वक्त रोज और अजक श्लोक मन ज्ञान योगुक एकांत साधनुक वर्णन आमुत कर भगवान वर्णन करन बोले वो क्या सदैव श्लोक मज भगवान उपदेश दिवन श्री मत भगवत गीता जी यजन शलूक आसन सी ब्रह्म सूत्र ते उपनिषदन हुंद वेदन हुंद सार और सार सार तत्व भगवान कृष्ण यतनस उपदेश समझना और अत सार शब्दस में छु भगवान ऐसे यह चेतावनी दिवन कि तो इति पक्यो अत सार सार शब्दस सीतन तो इति गच्छो कल्याणम सीतन भगवान नाव सुमंद गसो शरण अमरीश्वर अमृत चावलोलो चैन प्रेमय मीटन छु आव जावलोलो अमरीश्वर अमृत चावलो लो चैन प्रेमय मीटन छु आव जावलो लो अमरीश्वर अमृत चावलो चान प्रेम आव जाओ मिटन यानी युन गसन खत्म गसन इसलिए ये अमृत जरूरी चुन प्रत आज न पगह तो चुन जरूरी गीता रूपी अमृत अगर सुन कि आव जाओ गोस मिटन में प्रत यसन आव जाओ गोस मिटन जुन गसन गोस मिटन मगर अम खतर इस प्रयास के करन छु तत खतर छुन सु समर्थ गसन की
यहाँ आव जाओ मिटने खातर गीता जी हूँ उपदेश वन सदहम शलूक मे पर्न तुह त करू तथ बुद्धया तदात्मानः तत् निष्ठाः तत् परायणः गच्छन्ते आपुनावृतिम् ज्ञान निर्दय उत्कलमशा तत् बुद्धयः तदात्मानः तत् निष्ठा तत् परायणः गच्छन्ते अपुनरावृतिम् ज्ञान निर्दूत कलमशः यह सदैव श्लोक श्रीमद् भगवत गीता जी और अतमें वनान कि तदात्माना गो यम सुंद मन तदरूप आस ग तथ बुद्धया गो यम सुंद बुद्धि तथ रूप आस ग तथ रूप गो परमेश्वर सुंदिस रूपस कुन आस ग तथ निष्ठा गो सच्चिदानंद परमात्मा मन यम सुंदन लगातार स्थिति आस निष्ठा तत्परायणा तस भगवान परायण गुमुत पुरुष आसि ज्ञान निर्दूत कलमशा सस छु ज्ञान सुचन पाप रहित गछित कलमश दूर करित अपुनरावृतिम गो परम गति छु सु गछंती प्राप्त गसन गौ अमि श्लोकुक अर्थ छु यम सुंद मन तदरूप आस ग यम सज बुद्धि तदरूप आस ग यम सु सच्चिदानंद गन परमात्मा मज यम निरंतर अकी बाव स्थिति युथ तत्परायण पुरुष ज्ञान सहित पाप रहित गचित अपुनरावृत्ति अर्थात परम गति प्राप्त गसन आव जाव मिटन यह बड़ सठा महत्वपूर्ण श्लोक तथ बुद्धया तथ बुद्धया तदात्मानः तथ बुद्धया गौ निश्चय करण वाजिन यस वृत्ति छै तमिक नाव गौ बुद्धि बुद्धि कत वनन बुद्धि वनन कि अस व मनस मज संकल्प कह विकल्प वी सु करवा न करवा तथ कुन निश्चय पे वातन खातर यस वृत्ति काम करन छु विचार विचार धारा काम करन छु तथ लहर वनन बुद्धि साधक छु गुड़ बुद्धि सी निश्चय करन कि सर्वत्र छु परमात्मा ही परिपूर्ण संसार यलि बनियो तम ब्रोंठ ती ओस परमात्मा संसार नष्ट गसन पत छु परमात्मा रोजन और मंजिम यस ये आसन छु अवस्था
मंजिम प्रवाह इस चलन छु तथ मज तु परमात्मा तिथि बे रोजन जिथ कन परमात्मा सन सता यस छु इच अटल त निश्चय आसिन अछ वनन तथ बुद्धय यत कन एमस भगवानस ये बुद्धि छु बराबर साम रोजन प्रत वक्त छिहुई रोजन आत बुद्धि मज आख मनुष्य तात रूप गसुन पनन पान तिथि बनाउन गौ सु तात बुद्धया पदछुत पदछुत तदात मान यतनस आत्मा शब्द मनुक वाचक यम सात बुद्धि मंज परमात्मा सुन निश्चय छु गसन तम सात छु मन सच स्वतः स्वाभाविक परमात्मा सुन चिंतन हवन कर इंसान यल ये बुद्धि छु परमात्मा सुन निश्चय करन कि न मे छु ये काम करन मे छु ये जन्मस मंज पन कल्याण करन यल अम तरीक बुद्धि प्राप्त करन ये मनुष्य तम सात स्वाभाविक तम सिंदिस मन इस तम सुन सुछ पीछे पीछे पकन तम सात सुछ पत परमात्मा सुन चिंतन करन तदात माना जित शुत मज गसन तत निष्ठा तत परायण पत छु तत निष्ठा यम सत साधक सुंद मन तो बुद्धि परमात्मा मन लगन छ तम सत छु सो हर वक्त परमात्मा मन पनुन स्वयं स्वतः स्वाभाविक स्थिति हुंद अनुभव करन यले मिस मन निष्ठा गसन छ भगवानस मज पन निष्ठा करन छु पन दृढ़ विश्वास करन छु पूर पन मन बुद्धि छु परमात्मा मज लगावन और तम सात छु एमिस कुदरती पानी स्वतः स्वभाव किनी अनुभव गसन योतान मन बुद्धि परमात्मा मज लगे तोतान छुन मन परमात्मा सुन चिंतन करन किए तो बुद्धि तिछन परमात्मा सुन निश्चय हकन करित कि तत्परायण परमात्मा सिंध अलग पनिन सता छन किहिं गो परमात्मा परायण गसुन तत्परायण तमस अर्पण तमस हवाल तमस परायण ये कैसा वुछन छ इस दृश्य जगत ये नजर तल अस बासन छी सोरी कुल कट संसार पहाड़ वृक्ष दरियाव सोरी के ये वुछन छ आकाश पाता सोरी धरती ये छ सोरी मानन परमात्मा छ ये सोरी स्वरूप तम सुंद अलग छुन अत कहीं ये गो तत् परायण गसुन परमात्मा सिंधि स्थिति हुंद अनुभव करुन कि तम सिंद स्थिति कैसा छ महान ये तो पनिन सता यस परमात्मा मन लीन करन गो परमात्मा स्वरूप गसुन तत्परायण गसुन मन तदरूप गसुन सांख्य योगिक अनुसार अभ्यास कम तरीक कर मन तदरूप गुक मतलब क्या अत जवाब भगवान दिवन
कि सांख्य योग यानी ज्ञान योग अभ्यास करण वालिस पजे आचार्य कंसी शास्त्र सुंद शास्त्र जानन वोल तमिस निश उपदेश रटित संपूर्ण जगत इस माया मई जान और अख सचिदानंद परमात्मा सत्य वस्तु समझित संपूर्ण अनात्म वस्तुन हुंद चिंतन सर्वथा त्राव तिमन चीजन हुंद चिंतन न करन यमन सीत न अमिस संबंध चुका पनुन मन परमात्मा सिंद स्वरूपस मन निश्चल करन स्थिति स्थित करन भगवान सिंद आनंदमय स्वरूप चिंतन करन बार बार भगवान सिंद आनंद आवृत्ति करित धारणा करें कि भगवान च पूर्ण आनंद कंद अपार आनंद शांत आनंद घन आनंद अचल आनंद ध्रुव आनंद नित्य आनंद बोध स्वरूप आनंद ज्ञान स्वरूप आनंद परम आनंद महान आनंद अनंत आनंद सम आनंद अचिंत्य आनंद चिन्मय आनंद ते अख एक मात्र आनंद ही आनंद छु परिपूर्ण भगवान यह व्यसन भगवान सुकरण की अमे आनंद निश नबर छुन बे कहन वस्तु यह आनंद छु भगवान सुंद नाव छु आनंद जित कहीं दपन भगवान निरंतर लगातार मनन करिथन सचिदानंद परमात्मा में मन अभिन बावसान यानी बिनता गशना आसन सुत बुछ कुनी अमि बावसान निश्चल करुन गो मन तदरूप गसुन ये गो मन तदरूप गसुन जिसका मिमसुद मन तदरूप आशिकुन यह गो मन तदरूप वंश बुद्धि यह गो तदात्मान वन गो बुद्धि बुद्धि हुंद करो बे व्यसन दट व्यसन यहां पूर ताकि अस गो समझ बुद्धि हुंद तदरूप गसुन क्या गो मनुक तदरूप गसुन ठीक तो पत कमि अभ्यास सत ग बुद्धि तदरूप तथ रूपस मज यानी यह पोर भगवान कस आनंद आनंद चवाप अत मित गुद्धि निश्चल मन किस तदरूप गसनस मज बुद्धि मन सचिदानंद परमात्मा सुन स्वरूप प्रत्यक्ष दृश्य निश्चय करुन तमि निश्चय अनुसार नित्य अध्यासन ध्यान करुन भगवान सुन नित्य अध्यासन निध्यासन तम सुन ध्यान करुन यस जन बुद्धि बिन सता छन के तमिस सचिदानंद परमात्मा मन एकाकार पनुन पान करुन सुई गो बुद्धि हुन तदरूप गसुन पनुन बुद्धि तथ मन लय कर तशो पथ यम सत बिशम पितामा जी अंतिम समय भगवान श्री कृष्ण उस प्रारण तो श्री कृष्ण आव तमिस निश बुछ ठोट पारण संक्षेप मन क्या विषय वनक बदल नत गो तथ मार
विषय रोज तति तो भगवान कृष्ण आव ब्रोठ कुन युधिष्ठर महाराज सीषम पितामह आव ओशन तीरन पोस बिचोर वारियाद काल पे मगर भगवान सिंह दर्शन सत गई अमस फर्क और दोपन श्री कृष्ण मे पहचान वनुक तान तो मे गई यही गलती वन ये बुद्धि यस मे वो साधन सपस्याव स अलग अलग क्रियाओ सिद्ध कर्म इति मति कल पता वित्रशन ये मति मेन यस बुद्धि यह बिचे हवाल कर अर्पण कर सही कथा ये यानी ये तदरूप बसान ते मुद्धि पन तदरूप ते मर यह बिचे हवाल पानी कर यस मे वारिया अनुष्ठान वारिया यज्ञ करने सत श्रद्ध सिद्ध ग सब बुद्धि से बिचे अर्पण कर हवाल कर यही गो परमात्मा बुद्धि तदरूप कर परमात्मा मन तदरूप कर तत् बुद्धया तदात्मना तत् निष्ठा अर्थात सच्चिदानंद घन परमात्मा मज अकी भाव स्थित गसुन कमी अवस्थाय हुन नाव छु तो मन तो बुद्धि दोनवे तदरूप गसन पत कित कें छु ये तत् निष्ठा कित कें गस पत बड़ महत्वपूर्ण श्लोक ये गस लिखित थवन याद थवन वार कें कें श्लोक यन यस पारन तो यमन जन सठा जरूरी ज्यादा नोट त कर जरूर पे पाए अगर नोरी नोट हे कर तो नोट अध्याय अमुक श्लोक नंबर यह जरूरी यह पारन जरूरी क्या तिमन तिमन श्लोकन हेको कुन सात पत बेई करित आमने सामने व्यसन ये तो तिम लिखमित आसन तत निष्ठा भगवान च जवाब दिवन योतान मन तो बुद्धि यह जन पोर अम प्रक परमात्मा एकाकार गोतान सांख्य योगी सुंद परमात्मा अभिन भावसान स्थिति सपदी क्या कि मन बुद्धि तो आत्मा तो परमात्मा सिंदिस वेद ब्रह्मस मु मुखिकार लिहाजा अमी प्रकार यह पोर मन बुद्धि परमात्मा मज एकाकार करने पत साधक दृष्टि गच्छे आत्मा तो परमात्मा सुंद वेद ब्रह्म यह गच्छे खत्म गस आत्मा तो परमात्मा चुन कहीं भेद आत्मा परमात्मा कुन यह बग आत्मा सोन यह परमात्मा सुंद अनश अस मिस पकन करना सोरी खेल नत रोजो जिंद जिंद रोजित शरीर निर्वाह हेकन कर शरीरिक भूख हेकन बूगित शरीरिक कर्म फल हेकन बूगित
ییلی یہ آتما اندر چھو یم سات یہ آتما نیری پیو شریر پتھر مکلیو آت کس ویلیو چھو پت تیلی لہذا یہ برہم بھید چھو ناش کر دیاتا دیانت دی دیاتا پرماتما سن بید برہمک ناش گسن گو پت دیاتا دیانت دی त्रिपुटी हुंद अभाव गिसित केवल अख वस्तु सचिदानंद परमात्मा ही रोजुन चु सांख्य योग सिंस तत निष्ठा गसुन परमात्मा समंस एक ही भाव सिचित गसुन अच्वनन तत निष्ठा नश्ता जी ज्ञाता रोजन नश्ता ज्ञान रोजन नश्ता देय रोजन स्वामी गोविंद कौल जी ने श्री भजन गुणमत की जाए क्या करस रुच जंग क्या करे सात सतगरो तारियस तसंज बात सतगरो तारियस ताये तसंजीची बात पत्छु वनमुत तेम आत्मजन एकी जाए नई तैती द्रश्ताई नई द्रश्टा नई तैती शाहताई नई गदा रिंदौच चोमुत आय बिहयात सतगुर यस तारी तसंजिच बात इचि थज अवस्था निष्ठा वाले हंज अवस्था कि तैति छु न दृश्य त न छु दृष्ट न छु वुचन वोल तो न छु बुथि वुचन को साधन की ती छु यतनस ते भगवान श्री कृष्ण रसनावन के दे दाता ज्ञान त्रिपुटी हुंदा भाव इच तैत गसन सूर्य केवल अख सचिदानंद परमात्मा छु रोजन तमि सी तत निष्ठा गसन तमि सी एकी भाव सिचित गसन गौ तत निष्ठा तत्परायणा गो ब्याक गो अमी प्रकार यथ कं पोर ऐसे कि भगवान सुंद कम रूप यथ कं तम प्रकार आत्मा तो परमात्मा सुंद भेद इस अम ब्रह्मक नाश गचित यम सात सांख्य योगी सचिदानंद परमात्मा मंज अभिन भाव सान निश्चल स्थिति कर तम सात छु परमात्मा अलाव दुम कुनि कह सता तिन तमिस ब्रो कुन तमिस कह सता तेई बासन कहें शून्य बाकी सोर तम सज मन बुद्धि प्राण सोरी परमात्मा रूप ग तम सात सुच पान ते स्वयं ब्रह्म स्वरूप सु जीव गसन यतकन छु सचिदानंद परमात्मा सुन साक्षात अपरोक्ष ज्ञान सुत प्राप्त गसित पुरुष सुन वनन आमुत यत तत परायणा युगो तत परायण गसन गच्छन्ति
अपुना नरावृतिम ज्ञान निर्धूत कलमशः। यतनश्च यथार्थ ज्ञान तत्व रूपी यानी साक्षात्कार यथार्थ ज्ञान जिम्स परमात्मा सुन साक्षात्कार गसन आमुत वन सीधित तम सिंधी सीधियत शलुकु तत शब्द संबंध आमुत वन तत वो सुई परमात्मा ज्ञान निर्दूत कलमशः। ज्ञान शब्द कमिक वाचुक छु कलमश कथवनन त निर्दूत शब्द क्या गौ ये वो वनिस आत्मनु यथार्थ तत्व ज्ञान भगवान सुन प्राप्त करन छु ज्ञान शब्द शुभ अशुभ कर्म त राग द्वेष आदि अवगुण यम छु विक्षेप आवरण यमन हुंद वाचक छु कलमश गए यमई रुकावट यम जन छु यम छ सारी आत्मा किस बंधन हेतु मन कलमशन वन कलमश गई पाप तम पाप यम जन ताप वलिथ आमो यमो नाल वोलमुत यमन सारन हुन नष्ट गसुन सु गो निर्दूत शब्द तथि वन वार ध्यान थवन चु महत्वपूर्ण शु निर्दूत तथि वन अभिप्राय चु यह पेट पोर तम प्रकार साधन प्राप्त यथार्थ ज्ञान यम सुंद मल विक्षेप आवरण सोरी सारी पाप आसन नष्ट गमित ये कलमश आसन दूर गमित यमिस न पापन हुंद लेश मात्र त्यास रूदुंस के सासच सर्वथा सु मनुष्य पाप रहित आसन तमसीच वनन ज्ञान निर्दूत कलमश और आत्मा छुन जीव योत हकन पान करित कहीं आत्मा छु भगवत कृपा ती बड़ जरूरी भगवान उस यसन गोपियन पेट महान कृपा करी सोस यसन यम सारी कलमश तिमन सल तिमन सल रावन सारी आवरण तिमन दूर करी सारी मल विक्षेप तिमन दूर करी ताकि तिम गस गसिन शुद्ध तो निर्मल तेल हकहन तिम भगवानस निश वैतित तो महारासस मज बागनित क्या तिमन उस महारास करो महारास करन ब्रोठी कर तेम तिम तात खतर तैयार पवित्र शुद्ध महारास मा ओ सहल कथ की प्रतका नारी प्रतका स्त्री प्रतका मज बन ती बन गोपी अत सोई बाव कर गोपी गीत तमिस पढ़ बस गोपी गीत बार बार पढ़ तम बार बार पढ़ने सत ग तम सुंद मन शुद्ध सठा अंतःकरण गसि पानै निर्मल तमिस गसि राग भगवानस सत्य पन अख और
तमस ये बड़ आनंद अनुभूति गस तमस गीता ज्ञान ये हेचना पत चु वन गछन ते अपुनरावृतिम यस चु प्राप्त अथ गसन गो युचु परम पदस प्राप्त गसन युत मनुष्य युसन अन्य तरीक बुझ पाके ज्ञान करि हासिल तमिस चु सुपद प्राप्त करित चु सु योगी छुन पुनः गो दुबार वापस यमन संसारस में जन्म ले हन खतर किहिं ते ये छु भगवान मन यजन शुरहिम श्लोक मन छु तत् परम नाव सत आमत वनन गीता जी मज यमिक वर्णन छु कुंजाय आमत वनन यत अक्षय सुख छु वनन कुनि जाय वनन निर्वहन ब्रह्म कुनि जाय वनन उत्तम सुख और कुनि जाय वनन परम गति और कांका वनन परम धाम और कह वनन अवय्य पद और कह वनन दिव्य परम पुरुष तथ तुत वातन ये जीव तथ अवस्थाय प्राप्त कर अक्षय सुख गो युस सुख न खत्म गसि जित युस न खेनिक आसि मज मज छना अक्षय तृतीया ती यवन सच महान दुहास तम दो गस जप ध्यान करन जरूरी पारन केहनत के सुच अक्षय फल दिन बोला आसन सठा फल दिन बोल यथन नाशी गस त्यूता फल दिन बोल अथ यथार्थ ज्ञान के फलस्वरूप परमात्मा प्राप्त करुण गो अपुनरावृत्ति प्राप्त करें चित कन यथनो ये श्लोक भगवान ये और अस्थिपुर अम श्लोक महिमा कता सदहिम श्लोक पंचमे अध्याय इम्पॉर्टेंट श्लोक ये गस थवन नोट कर आज तुम बोजन वाल सारी यम सात बे हालात ठीक गसन तम सात यमो आमने सामने और तम सातन प्रसव अकिस वन सा यम शलूक क्या मायने मतलब तह ग पता तम सात सारे आसन लिहाजा छन ये गीता जी बोजनी यो त्रव कनो तो बस आनंदा पोहरा मूल न यह बेहती बे पर बेहती बे बोज तमी सत ग सारे कल्याण भगवान करे सारे कल्याण तमिस यो सदहिम श्लोक अत दमो विराम पत् अर्दहिमस मह भगवान वन कृष्ण मंदे जगत गुरु।